हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। तो भाई लोग, यार जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था, आप लोगों को मैंने पहले ही अपडेट दे दी थी कि भाई लोग ये M79 इंडियन सर्वर के अंदर आने वाले। तो यहाँ पे गाइस ये फाइनली जो है इंडियन सर्वर के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे इसकी एबिलिटी भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा खतरनाक है। तो भाई आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले तो मैं M79 ये जो न्यू वाली आई इसको निकालूंगा, एंड फिर अपन चलेंगे एक रूम में, इसका एबिलिटी टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कि एक गोली में इसके कितने बंदे डाउन होते हैं, कितना ज्यादा इसका डैमेज है, एमओ इसके कितनी ज्यादा होने वाली है, और इसकी रेंज जो मतलब स्पीड है वो कितनी फास्ट रहने वाली है, फायर करने की स्पीड मतलब एक गोली के बाद दूसरी गोली कितना जल्दी से निकल रही है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, आपको बार बार अलग अलग वीडियोज नहीं देखने पड़ेंगे इस M79 के लिए। तो इसीलिए गाइस बोल रहा हूँ ये वीडियो एंड तक देखना, काफी बढ़िया होने वाला है। एंड गाइस जो भी हमारे चैनल पे नहीं है, आप लोग अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि गाइस आपको इसी तरीके की अपडेट्स इन सारी जो न्यू रहता है गेम में सारा आपको इस चैनल पे जो है देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस वीडियो को अपन शुरू करते हैं, एंड आप लोग मेरा इंट्रो देख लो, तब तक देखो गाइस मेरे पे भी थोड़े डायमंड्स की कमी है, तो अपन ये M79 निकाल ले, उतने डायमंड जो है परचेस कर लेते हैं, एंड फिर करेंगे यार इसकी अनबॉक्सिंग एंड एबिलिटी टेस्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो है टॉप अप जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास टोटल 3K डायमंड्स है। इन डायमंड्स से गाइस देखो, पहले तो मैं एक चीज यार मेरे अकाउंट में कर लेता हूँ, मैंने शायद प्री ऑर्डर किया या नहीं किया, शायद मैंने प्री ऑर्डर कर दिया, शायद यस गाइस मैंने प्री ऑर्डर ऑलरेडी जो यहाँ पे कर दिया, तभी यहाँ पे मेरे को प्री ऑर्डर का आ नहीं रहा है। प्री ऑर्डर यस गाइस, प्री ऑर्डर मैंने कर दिया, मैंने सोचा अगर प्री ऑर्डर नहीं किया तो वो भी कर देते हैं, मैं क्या भूल जाता हूँ। इस सीजन मैं सोच रहा हूँ मैं बेसिस में ग्लोबल पे जाऊँ, लेट्स सी, अपन ज़्यादा परचेस नहीं करेंगे बट उतना परचेस करेंगे कि एटलीस्ट ग्लोबल में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो गाइस अपन ये M79 पे आ जाते हैं, जो कि गाइस न्यू वाली आई है। इसका आपको मैं पहले एबिलिटी बता देता हूँ, ये डैमेज डबल देगी गाइस, ठीक है। आप जब किसी को भी ये M79 मारोगे तो उसका जो है डैमेज डबल पड़ेगा। इसकी मैगजीन भी ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा गोलियां जो है आने वाली है, ठीक है। एंड इसकी जो है यहाँ पे मूवमेंट स्पीड दिखा रहा है, वहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, वेट यार यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो मूवमेंट स्पीड है। एंड अभी जो मेन बैनर पे था वहाँ पे था शायद यस रेट ऑफ फायर शायद इसका कम था वहाँ पे, एंड यहाँ पे ये मूवमेंट स्पीड बता रहा, शायद मूवमेंट स्पीड ही कम होगा। तो ये आप जब चलाओगे तो ज़्यादा, अगर इधर उधर घूमोगे, इधर मतलब हिल हिल के चलाओगे तो वो ज़्यादा आप मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है इसके साथ में। एंड ये अभी तक की सबसे बेस्ट M79 है गाइस, यस मैं आपको बता दूँ फ्री फायर की अभी तक की सबसे बेस्ट M79 है ये मिडनाइट माफिया। एंड अगर आप भी इसको अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर परचेस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कुछ खतरनाक होने वाली है। यहाँ पे आप देखो वेपन रॉयल के जितने भी आइटम्स हैं मेरे पे ऑलरेडी सारे ही हैं गाइस, ठीक है। चलो गाइस अपन यहाँ पे एक एक स्पिन मार रहे हैं, चलो गाइस लास्ट स्पिन मार लेते हैं यहाँ पे 10x एक बार, देखते कितना जो है ये लेने वाली है डायमंड न्यू वाली M79। और आज जो अकाउंट है आप देखते हो मेरा खुद का अकाउंट है, मेरे सब्सक्राइबर का अकाउंट नहीं लिया है, एंड मेरे को लग रहा है ये 2000 डायमंड्स के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ मिल जाए भाई, प्लीज़ मिल जाए, ज़्यादा डायमंड नहीं खर्च करना चाहता मैं इसके पीछे, मैं नहीं चाहता और टॉपअप करूँ यार, ठीक है। तो जितना मेरे को लग रहा है कि भाई ये मिल ही जाएगा इन डायमंड्स में, क्योंकि अभी अपने पास 2500 डायमंड आप जैसा कि देख पा रहे हैं अभी भी पड़े हुए हैं। सो गाइज इस बार मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए भैया, प्लीज़ नहीं मिल रहा है। चलो गाइज एक बार और देखते हैं, मिल जा भाई, मिल ही नहीं रहा यार परमानेंट लेने में, भाई मेरे पे सारी गन्स परमानेंट है, सिर्फ ये M79 नहीं है भाई, दे दे यार। तो इसके साथ में गाइस हमारे टोटल 2K डायमंड्स चले गए हैं, एंड यहाँ पे ये M79 अभी भी जो है परमानेंट नहीं निकल रही है। एंड अगेन देखते हैं गाइस अभी बस लास्ट 2 स्पिन बचे, भाई मेरे को लग रहा है अभी मेरे को कि इन डायमंड्स में अपन को ये नहीं निकलने वाली है, थोड़ा एक बार रुक जाओ। 131 स्पिन हो चुके भाई, ऐसा क्या 131 आप ऊपर देख रहे हो गाइस कोने में, 131 एक वीक में मैंने इतने स्पिन कर दिए बट अभी तक ये नहीं दे रहा गाइस। चलो अगेन देखते हैं गाइस, भाई इस बार भी नहीं मिला भाई, लिटरली 3K डायमंड जाने वाले भाई, 3K डायमंड्स गाइस। तो यहाँ पे हमारे सारे डायमंड्स जो है एंड हो गए फाइनली, एंड ये हमको नहीं मिला, आप देख लो गाइस 3K डायमंड मैंने उड़ा दिए M79 पे, अभी तक जो है मिली नहीं भाई, कितना ज़्यादा डायमंड खाएगी आप देखो, 97 जो है लक हो चुके, 100 लक कर देते हैं पूरा, और भाई यहाँ पे 100 लक पे भाई मेरे को फाइनली मिल गई भाई, मतलब भाई एट द एंड मेरे को वो डायमंड परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, मेरे पे डायमंड देखो आप 12 डायमंड बचे हैं बट
यहाँ पे मैंने 100 स्पिन किए, उसके बाद में जाके जो है स्पिन करने के बाद में ये मिल गई है मेरे को। और ये बाकी वाली देखो, बाकी से ये देखो आप काफी ज्यादा ही कुछ बेटर रही है। एंड इसका एबिलिटी आप यहाँ पे भी देखो सेम ही एबिलिटी है, दिखने के अंदर ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। आप जैसा कि देख पा रहे आग निकल रही है भाई, एक वो शॉटगन है ना आग वाली, उस तरीके से ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखती है। सो भाई पर्सनली मैं तो इसको यूज करने वाला हूँ। देखो आप बहुत सारी मेरे पे M7N स्किन्स है, बट आप देख सकते हो ये सबसे बेस्ट है जो अभी वाली आई है। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, देखो आप जितनी भी मेरे पे स्किन्स है सबसे बेस्ट स्किन्स ये वाली आप देख सकते हो। एंड अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर से इसको परचेस करें। तो चलो गाइस अभी बारी आती है अपन एबिलिटी टेस्ट की, तो चलते हैं गाइस हम एक क्लेश स्क्वाड मैच में। एंड वहां पे गाइस बंदों पे मार मार के हम ये स्किन जो है इसका एबिलिटी टेस्ट करेंगे और देखते हैं एक गोली में कितना जो है फायर करती है। तो चलो यार गाइस अपन चले फटाफट क्लेश स्क्वाड मैच में। तो यहाँ पे गाइस जो है अपन आ चुके हैं क्लेश स्क्वाड मैच में। एंड यहाँ पे देखो गाइस मेरे पास आ चुकी न्यू वाली M79 जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है। एंड यहाँ पे गाइस देखो चार चार बंदे हैं जो देख रहे हैं आप, सामने देख पा रहे होंगे इजीली। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले एक बंदे पे मारूंगा, इन चारों के पास कोई भी आर्मर नहीं है, ठीक है गाइस, कोई भी आर्मर इन्होंने नहीं पहना है। तो अपन पहले राउंड में एक काम करेंगे, इनको बिना आर्मर के मार के देखेंगे कि भाई बिना मतलब जो है वेस्ट के ये कितना डैमेज देती है, फिर देखेंगे कि वेस्ट के साथ कितना डैमेज देती है, और देखेंगे कि एक साथ क्या ये चारों बंदों को मार पाएगी या फिर एक साथ एक बंदे को भी नहीं मार पाएगी। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला एबिलिटी टेस्ट अपन पूरा सही से करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस अपन ये पहले एक बंदे पे मारते हैं। एंड यहाँ पे गाइस देखो मेरा एम देखो भाई बहुत ज्यादा ही कुछ टट्टी था। तो यहाँ पे देखो गाइस एक बंदे को मैंने यहाँ पे मारा है, यहाँ पे 440 का डैमेज दिया है बिना वेस्ट के, कोई भी वेस्ट नहीं पहनी थी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया हूँ, कोई भी वेस्ट इन्होंने नहीं पहनी थी। अब गाइस मैं यहाँ पे दो बंदों को एक साथ मारने वाला हूँ, जैसा कि आप इनमें से दो कोई भी सामने आ जाओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो बंदे सामने आ चुके, अब देखूंगा कि दो बंदों को एक साथ डाउन कर पाएगी। तो भाई यहाँ पे ये दो बंदों को भी एक साथ यहाँ पे सही से डाउन कर पा रही है। तो गाइस अब ये फाइनल राउंड है, अभी इन लोगों को मैं चारों को एक साथ बिना वेस्ट के, ठीक है, अब देखेंगे कि बिना वेस्ट के चार बंदे अगर आप पे रस कर रहे हैं, चार बंदे अगर आपको एक साथ रस कर रहे हैं ना आपके पास ये M79, तो क्या ये चारों को मार पाएगी ना? चारों एक साथ खड़े हो जाओ, चलो चारों एक साथ खड़े हो जाओ, चारों एक साथ खड़े हो जाओ। यहाँ पे गाइस ये बिना वेस्ट के भाई जो है चारों बंदों को एक साथ मार सकती है। तो चलो गाइस अभी नेक्स्ट राउंड में अपन चलते हैं फटाफट। हाँ तो गाइज अभी अपन आ चुके हैं सेकेंड राउंड में यहाँ पे। एंड गाइज देखो सेकेंड राउंड में अपन यहाँ पे इन चारों के पास लेवल 4 की वेस्ट है। एंड यहाँ पे लेवल 4 का ही हेलमेट है गाइज, लेवल 4 की वेस्ट एंड लेवल 4 का हेलमेट है। तो गाइज अब मैं मार के देखूंगा कि लेवल 4 की वेस्ट और लेवल 4 की हेलमेट के साथ में ये कितना डैमेज देती है। तो या भाई एक बंदा तुम में से सामने आ जाओ, पहले एक बंदे पे मारने वाला हूँ एंड उसके बाद में जो मैं दो तीन ये भाई वाई छक्के हो छक्के हट जा जो साइड वाला, तो भाई यहाँ पे एक बंदे में मारूंगा। एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई ये जो है एक गोली में नहीं मार पा रही है अगर बंदे के पास आर्मर हो तो। गाइस आप लोग देख पा रहे हैं दूसरी गोली में यहाँ पे डेफिनेटली ये जो डाउन होने वाला है। यस गाइस तो यहाँ पे आर्मर अगर आपके पास लेवल 4 का है तो भाई ये जो है 149 का जो है डैमेज देने वाली है। गाइस 149 का कुछ डैमेज था तो वो ये डैमेज जो है देने वाली है। एंड अभी एक काम करो चारों क्रोनो लगा लो, ठीक है, पहले यहाँ पे क्रोनो लगा लो भाई, क्रोनो लगा लो जो सामने खड़े हैं, यहाँ पे क्रोनो लगाओ। हाँ गाइस तो अभी मैं क्रोनो पे इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो भाई इसको क्रोनो दो मारा नहीं टूटा, क्रोनो तीन चार, भाई तो यहाँ पे चार मारने के बाद में जो ये क्रोनो टूटा है जैसे कि इन्होंने, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा चार चार ये बुलेट मारने के बाद में आप जो है क्रोनो फोड़ सकते हो। अगर किसी पे क्रोनो है एंड आप उसके पास ये चार चार बुलेट अगर आप मारते हो तो भाई डेफिनेटली उसका जो है क्रोनो यहाँ पे फूट जाने वाला है। तो अब यहाँ पे गाइस हम आपको जो है टेस्ट करके बताएंगे कि भाई जो अगर चार बंदे हैं सामने एंड चारों के पास अगर लेवल 4 की वेस्ट है तो क्या ये आपकी M79 काम आएगी वहां पे। तो भाई वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास चार बंदे रस कर रहे हैं एंड आपके पास अगर ये वाली M79 है एंड उनके पास अगर आर्मर है तो भाई आप ये अगर M79 मारते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 123 कुछ ऐसा जो है डैमेज जाने वाला है, चारों ही बंदों में से एक भी बंदा यहाँ पे डेफिनेटली डाउन नहीं होने वाला है। तो भाई आप भी केयरफुल रहे, अगर आपके सामने चार बंदे हैं तो भाई अगर उनके पास आर्मर है तो वो मतलब वेस्ट है तो वो डाउन जो है नहीं होंगे, अगर वेस्ट उनके पास ऑलरेडी मान लो कि वेस्ट नहीं है तो वो चारों मर जाएंगे, ठीक है।
अगर चारों के पास वेस्ट नहीं है तो वो मर जाएंगे, बट अगर वेस्ट है तो वो नहीं मरने वाला है उनमें से एक भी, ठीक है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैंने यहाँ पे एबिलिटी टेस्ट किया न्यू वाली M79 का, साथ में इसको निकाला भी, भाई काफी ज्यादा महंगी पड़ी। तो पहले तो भाई 3K डायमंड्स की जो इसकी कीमत मेरे को लगी है, एंड साथ में इसका एबिलिटी टेस्ट मैंने आपको करके बताया। तो भाई मेरा एक इसके ओपिनियन है कि भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपके पास आर्मर नहीं है तो भाई आपकी स्क्वाड डेफिनेटली जो वाइप कर देगी ओनली फॉर वन शॉट में, ठीक है। ओनली एक बुलेट फायर करेगी, आपकी पूरी स्क्वाड मर जाएगी। एंड गाइस अगर आपके पास आर्मर है तो भाई ये ओनली दो बुलेट मारेगी, आपके सारे बंदे डाउन, चाहे आपके पास चार का भी आर्मर हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड गाइस अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अगर ऑल पे नहीं सेट किया तो जरूर सेट करें। इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मिलते हैं कल एक और एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय ऑल ऑफ यू गाइस। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।